Assalamualaikum, Playgroup class. Today we are going to solve our workbook page number 41. ये हमारा उर्दू का पेज है, हम इसको सॉल्व करेंगे. सो आज हम क्या लिखेंगे? जीम चे हे खे. जीम चे हे खे. जीम चे हे खे. जीम की वैली में एक नुक्ता, चे की वैली में तीन नुक्ते, हे के ऊपर या उसकी वैली में कोई भी नुक्ता नहीं होता और खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता. सो राइट करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ से डॉट्स को जोड़ेंगे, यहाँ से राउंड लेंगे, ठीक है. डॉट्स के ऊपर ऊपर, हाफ लाइन से ऊपर, हाफ लाइन से नीचे, और ये है हमारा जीम. जीम में एक नुक्ता, जीम की वैली में एक नुक्ता. उसके बाद हम चे लिख लेंगे. सो चे लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है. डॉट्स के ऊपर ऊपर इस तरह से इसको जोड़ते हुए हम ऊपर आएंगे और लाइन को टच करके स्टॉप करेंगे. और चे की वैली में तीन नुक्ते, चे की वैली में तीन नुक्ते. उसके बाद है हमारे पास हे. तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, हे के ऊपर या हे की वैली में कोई भी नुक्ता नहीं होता. इसके बाद है खे. यहाँ से आपने अगेन सेम पैटर्न पे आना है, टच करते हुए ऊपर आ जाएंगे और ये है हमारा खे. खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता. तो लिखते हैं इसको हम यहाँ से हाफ लाइन के नीचे, हाफ लाइन से ऊपर वैली बनाते हुए ऊपर आ जाएंगे और जीम की वैली में एक नुक्ता. ये है जीम. इसके बाद है चे, ठीक है. यहाँ से टच करेंगे, राउंड बनाएंगे, डॉट को टच करेंगे और ये है चे. चे की वैली में तीन नुक्ते. इसके बाद हम लिखेंगे हे. तो हे में कोई भी नुक्ता नहीं होता. उसके बाद खे. खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता. जीम चे हे खे. 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 अब हम नीचे आ जाते हैं. हे से शुरू होने वाली तस्वीर को हर्फ से मिलाएं. हे से शुरू होने वाली तस्वीर को हर्फ से मिलाएं. सो हे होज. हे होज. हे से जूता बनता है? नहीं बनता. हे हाजी. हे हाजी. हे से टब बनता है? नहीं. तो हम इसको मैच नहीं करेंगे. हे हलवाई. हे हलवाई. हे हलवाई. हे से चम्मच बनता है? नहीं बनता. तो हम इसे मैच नहीं करेंगे, ठीक है.